लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के 40 सीटों पर घमासान छिड़ा हुआ है। एनडीए में सीटों का बंटवारा कब का हो गया है, उसकी तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर ही कई पेंच फंसे हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है, लेकिन आरजेडी अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटने में लगी हुई है और इसी वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दल नाराज बताए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो इंडिया के दलों में दरार आ सकती है और पार्टियां अलग अलग चुनाव भी लड़ सकती हैं। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का, आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। और बिहार के अंदर सीटों को लेकर गठबंधन के बीच पेंच फंसा हुआ है। बेगूसराय की सीट पर विवाद थमा नहीं था कि अब पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने जंग छेड़ दी है। पप्पू यादव ने साफ कहा है कि चाहे जान रहे या जाए, लेकिन चुनाव तो पूर्णिया में ही लड़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति के रंगमंच पर इस वक्त सबसे जबरदस्त इमोशनल राजनीतिक ड्रामा अगर कहीं चल रहा है तो वो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों राजनीतिक हलचल जबरदस्त है। गांधी परिवार और लालू परिवार, इन दोनों परिवारों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अंदर हर सीट पर अपनी अलग कहानी है। एक एक सीट पर अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दोनों परिवारों को जबरदस्त मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है, काफी जोर लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय सीट से लड़ने का कन्हैया कुमार का सपना टूटता नजर आ रहा है। ये तो एक हफ्ते पुराना मामला है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है। यानी इस सीट पर तो पहले से घमासान मचा था, अब एक और सीट पर जबरदस्त राजनीति शुरू हुई है और यह सीट है पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर ये कसम खा चुके हैं कि जीना यहां, वरना पूर्णिया के सिवा जाना कहां। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहां पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पप्पू यादव का पूर्णिया से गहरा नाता रहा है, वो यहां से सांसद तो रही ही है, साथ ही कोविड बाढ़ ये ऐसे मौके रहे हैं जब पप्पू यादव जनता के बीच गए और उनकी सेवा की। चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर इस इलाके की पूरी किलेबंदी कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी चाल चली है कि वह धराशायी होते हुए अभी फिलहाल उस इलाके से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति के अंदर? कैसे टिकट बंटवारे के मोर्चे पर भी लगातार जेडीयू और बीजेपी बिहार के राजनीतिक मैदान में बाजी मारते नजर आ रहे हैं? और आखिर क्यों गांधी परिवार और लालू परिवार के बीच गठबंधन को लेकर जबरदस्त खींचतान नजर आ रही है? बिहार के इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण का पूरा दस्तावेज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला पप्पू यादव का गढ़ रहा है। पप्पू यादव के राजनीतिक संबंध लालू परिवार से भी बहुत अच्छे हैं और गांधी परिवार से भी। पप्पू यादव दोनों परिवारों को विचारधारा की डोर में बांधकर चलना चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट छीन लिए जाने की आशंका से ही वो बेचैन है। घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ें। यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पप्पू यादव की राजनीतिक हस्ती क्या है। पप्पू यादव देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनका किसी एक इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर लगातार करने का मौका मिला है और इसीलिए सीमांचल और पूर्णिया के इन इलाकों में उनको ताकतवर राजनेता माना जाता है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। 5 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक भी। एक वक्त था जब पप्पू यादव लालू यादव के दुलारे हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। लालू नीतीश की जोड़ी को हराने के लिए उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला।
लेकिन अब वक्त बदला है और पप्पू यादव के तेवर भी। पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, तो दूसरी तरफ खुद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। तो पूर्णिया से पप्पू यादव और बीमा भारती अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पप्पू यादव भारी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने पप्पू यादव को पूर्णिया की जगह मधेपुरा से चुनाव लड़ने को कहा था। पप्पू यादव ने खुद अपनी राजनीतिक जमीन पहले मधेपुरा को बनाया था और पत्नी रंजीता को सुपौल से सांसद बनवाया। पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे, वहीं 4 बार वो विधानसभा भी पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2015 में उन्हें मिला। लालू यादव से विरोध के बाद पप्पू यादव ने खुद की पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में 64 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। पप्पू यादव ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत 1990 में की थी, जब वह मधेपुर इलाके से एक विधानसभा में चुनाव लड़े। इस चुनाव में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और जीत हासिल की। इसके ठीक एक साल बाद 1991 में वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और यहां भी उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के साथ पप्पू यादव का जुड़ना कांग्रेस के लिए एक ताकत जरूर है, लेकिन पप्पू यादव जैसे एक बेहद कद्दावर नेता की कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने करवाई। जब पप्पू यादव के कार्यकर्ता पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। पप्पू यादव की राजनीतिक ताकत बिहार के कई इलाकों के अंदर इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी का विलय करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि वो गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस हमेशा कुर्बानी दी है, इतिहास उठा के देखिए। वैसे भी कल जब अंग्रेज थे तो एक गांधी थे, आज नए अंग्रेज हैं बीजेपी। यहाँ एक रियल संत राहुल गांधी और त्यागी, एक ऐसे पुरुष जिनका दूर दूर तक सत्ता से और कुर्सी से कोई मोह नहीं। तो ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा अपने साथियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है, जैसे ममता जी के साथ आज भी सोनिया गांधी जी हो या वह परिवार हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़े क्योंकि ये पप्पू यादव का गढ़ भी है, लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव के लिए अलग प्लान तैयार कर रखा था। पप्पू यादव का कहना है कि लालू यादव उनको अपने बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव पूर्णिया की बजाय मधेपुरा की सीट से चुनाव लड़े। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की, वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाए, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य जिस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफी था।